Hey people, welcome back to my channel. This is Shraddha Roy Shukla from Food Basket. तो आज मैं बना रही हूँ मलाई से देसी घी। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो ये जो बिग बाउल है, ये मेरा 15 डेज का मलाई है। हमारे यहाँ फुल फैट क्रीम मिल्क आता है, तो ये मलाई का डिब्बा बहुत जल्दी भर जाता है। तो ये मेरा 15 डेज या 16 डेज अप्रॉक्स का मलाई रहेगा। तो इसको मैंने एक घंटे पहले ही फ्रिज में से निकाल दिया था, क्योंकि थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाए। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी, मथनी से हैंड विस्क कुछ भी नहीं करना है। बस मैंने मिक्सचर का जार लिया हुआ है और थोड़ा थोड़ा करके इसको ग्राइंड करेंगे, और बिल्कुल लिटिल बिट वाटर डाल के। तो ये देखिए, मैंने ये थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है, बहुत ज़्यादा जार भरना भी नहीं है, हाफ रहे, और इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। तो ग्राइंड करके कुछ ये टेक्सचर आया है। थोड़ा सा आप पानी डाल सकते हैं, नॉर्मल पानी डाला था मैंने, नॉर्मल पानी डालिए, और ये ऐसे रेडी हो गया था। तो ये मैंने एक सेपरेट कंटेनर में इसको पलट दिया। ऐसे धीरे धीरे करके सारा हम विस्क कर लेंगे। बहुत ही इजी है, कोई भी निकाल सकता है घी। ये देखिए, यहाँ तो अपने आप ही निकल चुका है, वो सेपरेट हो चुका है बटर। बट इसका प्रोसेस मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से निकल गया था। तो हेयर इट इज। तो ये मैंने सारा ग्राइंड करके एक कंटेनर में अलग रख दिया है, और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालूंगी, और मक्खन अपने आप ही अलग हो जाएगा, और जो जो दूध बचा रहेगा वो अलग हो जाएगा। आप ठंडा पानी डालेंगे तो अपने आप ही वो सेपरेट हो जाएगा, अदरवाइज आप आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, आइस क्यूब से भी अलग हो जाएगा। ये देखिए फटाफट हो रहा है। एक ट्रिक और है, अगर आप दूध बॉईल करते हैं और दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाता है, तो आप उसको हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रखेंगे, तो वो उसकी जो मलाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है। तो मैं ऐसे ही मलाई निकालती हूँ। तो एक आप ऐसे भी मलाई निकाल सकते हैं, तो आपका मलाई जो रहेगा वो थिक निकलेगा। तो यहाँ देखिए, मैं धीरे धीरे उस पानी से जो मैंने ठंडा पानी डाला था उससे वो अपने आप ही सेपरेट हो गया है। तो मैं सारा मक्खन ऐसे ही निकाल लूँगी। तो यहाँ देखिए, मेरा सारा बटर निकल गया है, पूरी बाउल भर गई। सोचिए, वो यही बाउल भर के मेरी मलाई थी, और यही बाउल भर के मक्खन निकला हुआ है। और ये रहा है, इसको मैं बाद में यूज करूंगी। और अब चलते हैं बटर से घी निकालने के प्रोसेस में। तो यहाँ मैंने लिया है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं ये डाल दूंगी बटर। और ये बटर ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी आता है पराठे के साथ, बेसिक आलू पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ मैंने डाल दिया है पूरा बटर। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, और ये धीरे धीरे मेल्ट होके अच्छे से फॉर्म हो जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा क्रश भी कर रही थी बीच बीच में कि जल्दी हो जाए, बट घी निकालने के लिए इस टाइम थोड़ा सा पेशेंस लेवल हाई रखना चाहिए, क्योंकि जो टाइम लगेगा इसी में लगेगा। पिछले वाले प्रोसेस में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला था, अब जो टाइम है बस इसी में लगने वाला है। क्योंकि फास्ट करेंगे तो नीचे अजीब सा पकड़ लेगा, फिर मुश्किल हो जाएगी, स्मेल आ जाएगी घी में से। तो ये देखिए, घी बनना शुरू हो गया है। जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम इंक्रीज होगा, ये अपने आप ही घी सेपरेट हो जाएगा, और ये जो मठे है ये अलग हो जाएगा।
और इसका नाम क्या रहता है आप लोग के स्टेट में, आप लोग अगर देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहीं 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 खुरचन बोलते हैं, कहीं कहीं मावा बोलते हैं, हमारे नॉर्थ साइड में मठेव बोलते हैं। और इसको इसको भी हम लोग बाद में यूज़ कर सकते हैं, इसमें गुड़ डालिए, जैगरी जो होता है, जैगरी पाउडर, और अच्छे से हम उसको मिक्स करके इसको खाया जा सकता है पराठे के साथ। तो ये देखिए मेरी रेडी हो गई है घी, और अब मैं इसको अच्छे से छान लूँगी। मैंने अच्छे से स्पून से दबा दबा के इसको छान लिया, क्योंकि इसमें घी बहुत ज़्यादा रहता है। अब मैं इसको इसमें गुड़ डाल के पराठे के साथ सर्व करने वाली हूँ सबको। बहुत टेस्टी आता है, आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, और आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें। और ये देखिए हमारा जो है घी ऑलमोस्ट ही पूरा रेडी है, और क्या घी निकला था 15 डेज की मलाई में, ऑसम इट इज़, लुक एट दिस, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी निकल गई थी। ये तो ये लिया है मैंने कांच का कंटेनर, और इसको मैं फिल कर लूँगी। ये कंटेनर भी छोटा पड़ गया था तो मैं दूसरा लेके आई थी वापस, फिर मैंने इसको भरा था। तो बस यही है आज की रेसिपी, इसको अगर आप लोग मलाई निकालते हैं तो ट्राई ज़रूर करिएगा।